पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारे पास एक पीपल का पेड़ है, इसकी एज लगभग 4 साल है। तो इसको मैंने यहाँ से ट्रंक चॉप किया था, आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से। तो उसके बाद से ये इसी पॉट में ग्रो कर रहा है, मैंने इसको कभी रिपॉट वगैरह नहीं किया है। तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ मेरे पास मैंने कटिंग्स ग्रो किए थे फाइकस के ही, फाइकस रिलीजियोसा या पीपल। तो ये सब लगभग मेरे पास 5 कटिंग्स हैं। तो इसको ये वाला जो मेन पेड़ है इसके ऊपर हम फ्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरिया है जहाँ पे मुझे ब्रांचेस चाहिए, तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट ही इन पेड़ों को इसके साथ फ्यूज़ कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जो पेड़ है उसका निबारी और इम्प्रूव हो जाएगा और उसका जो ट्रंक है वो और भी मोटा हो जाएगा। तो जैसे नेचर में फाइकस के पेड़ होते हैं या पीपल वगैरह के मोटे मोटे होते हैं, उनके मसल जैसे लगते हैं ना ट्रंक में, तो उस टाइप की लुक लाने के लिए ये वाली फ्यूज़न टेक्निक बहुत ही सक्सेसफुल है। इसको मैंने ऑलरेडी जो फाइकस लॉन्ग आइलैंड है उसके ऊपर कर रखा है, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। उसको मैंने अभी ग्राउंड में लगा रखा है ग्रो करने के लिए, उसका भी वीडियो मैं जल्दी डालने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छा बना है। तो अभी मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग, अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का पेड़ है, आप कोई ब्रांच वगैरह वहाँ पे मिसिंग है, तो आप ये टेक्निक से वहाँ पे लगा सकते हो। तो कोशिश करिए वीडियो को एंड तक देखिए। इसके बाद एक और भी पेड़ है पीपल का, उसके ऊपर भी कुछ कमी लग रही है मुझे, ब्रांचेस कम है, तो वो भी मैं वहाँ पर लगाऊँगा, तो आप देखते रहिए। तो पहले मैं इसकी जो है सब रूट्स को अच्छे से मिट्टी हटा दूंगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वगैरह भी नहीं हुई थी, 4 साल से इसी पॉट में ग्रो कर रहा था, तो इसकी उतनी फाइन रूट्स वगैरह नहीं बनी हुई हैं। तो और जब हम फ्यूज़ करते हैं या उसको कोई और पेड़ को ट्रंक के साथ अटैच करते हैं, तो जो साइड में हमें स्पेस चाहिए होती है दूसरे पेड़ के लिए, तो इसलिए मुझे इसकी रूट्स को अच्छे से निकालना पड़ेगा, ताकि हम देख सकें और कहाँ पे जो नया पेड़ है या अलग कटिंग है उसको कहाँ पे लगा सकें। तो बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं काटूंगा मैं इसकी, क्योंकि उतनी ज़्यादा हैवी नहीं वैसे, और अभी मॉनसून का सीज़न है जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अगर आप इस टाइम पे काम करते हो तो पेड़ के मरने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहते हैं। तो अगर और कोई सीज़न होता है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप उतना ज़्यादा रफ मतलब अच्छे से नहीं कर पाते अभी बोनसाई, या आपके पेड़ सेंसिटिव हैं, तो मॉनसून सबसे बेस्ट टाइम रहता है ये सब काम करने के लिए। तो ये मेरे पास जो दूसरा प्लांट है जो हम इसके साथ लगाने जाएंगे, इसके साथ मैंने डिसाइड किया है 3 प्लांट लगाऊंगा अभी। अगर और इसके बाद आप बढ़ाते जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लगाना है, 2 आप अगर आपके सक्सेस हो जाते हैं, आपको और स्पेस कहीं पे नज़र आती है, तो वहाँ पे आप और भी अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे वो कर्व आ रहा है पेड़ के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच एज अ ब्रांच टाइप में अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो ये कई बार आपको लगा के हटा के देखना पड़ता है, ऐसे फिक्स नहीं है। और जहाँ पे आपको कोई और रूट वगैरह रास्ते में उसके लगती है ना, जहाँ पे ये पेड़ अटैच होगा, तो ये देखिए वहाँ पे रूट है ऑलरेडी, तो मुझे वो हटानी पड़ेगी, तो वहाँ पे स्पेस बनानी पड़ती है। ये मेरे पास रूट कटर है एक्चुअली। तो अगर आपके पास रूट कटर नहीं है तो बहुत अच्छा एक हमारे टूल आता है, जैसे लोकल उसको जमूरा बोलते हैं, जिससे मेक जो कील वगैरह होती है उसको निकालते हैं ना, तो आप उसको धार लगवा सकते हो, तो उसको एज ए रूट कटर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेटल हो रहा है ये। तो जब भी इस तरह से कोई नया पेड़ या कटिंग वगैरह अटैच करनी है आपके मेन ट्रंक के साथ, तो उसकी शेप थोड़ी सी उस तरह की चूज़ करिए जो कि वहाँ पे अटैच हो और बीच में स्पेस ना बचे ज़्यादा, है ना। अगर स्पेस बचेगी तो वो स्पेस दिखेगी बाद में, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से उसको उसका हाइट वगैरह देखना पड़ता है और उसकी मोटाई। और बहुत ज़्यादा मोटा पेड़ अटैच नहीं होता, मुश्किल होता है, तो इस साइज़ के पेड़ अच्छे से अटैच हो जाते हैं, इवन इससे पतले भी हो तो और अच्छा है। तो आप मैंने एक पेड़ के साथ तकरीबन 20 कटिंग अटैच की थी, तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी है यहाँ पे कुछ, जैसे नॉब जैसा था जहाँ पे मैं लगा रहा था, तो वहाँ पे भी ट्रंक पे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है।
तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा वहाँ पे छीलना पड़ा है। तो इस तरह से थोड़ा कार्विंग वगैरह भी करना पड़ता है वहाँ पे, पूरा एकदम जैसे स्पेस है उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्रांच कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ का कर्व है और वहाँ पे ब्रांच ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये नेचुरल लगेगा बहुत। ये एक और कटिंग है, तो इसको भी हम पहले बेयर रूट करेंगे, सब इसका मिट्टी निकाल देंगे। ये लगभग एक साल के आसपास होगा इसका एज, आई थिंक ये एक साल के आसपास होगी ये वाली कटिंग की। तो इसकी ब्रांचेस नहीं है, ये लंबी कटिंग है। इस तरह की जो मतलब प्लांट रहते हैं या कटिंग, ये अच्छी रहती है। अगर आपको फ्यूज़न करना है ना, तो जब भी आप फ्यूज़न के लिए कटिंग वगैरह लगाओ, तो कोशिश करो लंबी लंबी पतली पतली कटिंग्स लगाओ, क्योंकि ये मुड़ जाती हैं आराम से, और फ्यूज़ करने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। अगर आपकी कटिंग काफ़ी मोटी है और हार्ड है, तो वो ट्रंक के साथ में चिपक नहीं पाएगी, या उस तरह से उसकी मूवमेंट आ नहीं पाएगी जब आप उसको फ्यूज़ करोगे। तो जब भी आप सेलेक्ट करो कटिंग या जो भी प्लांट आपको फ्यूज़ करना है, तो कोशिश करो वो लंबे हों और फ्लेक्सिबल हों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है और बीच में स्पेस भी रह जाती है। मैंने ऐसा किया है कई बार, तो गलती भी की है मैंने, तो वहीं से सीखा है ये। अब ये मेरे पास जिप टाइज हैं, ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं, या तो कील वगैरह भी लगाते हैं। कील लगाने से कई बार क्या होता है, उससे ना पेड़ में जैसे फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है, या कई बार कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है उससे, कुछ जो पेड़ अटैच करते हैं वो कई बार मर भी जाते हैं। तो ये जो जिप टाई है, ये ज़्यादा सेफ़ तरीका है। तो अगर आप नए हो तो आप जिप टाई ख़रीद लो, कहीं से भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी। और रस्सी बांधने से ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको सीधा खींचना है, और खींचते ही वो तुरंत टाइट हो जाता है। रस्सी बांधने से ना वो बार बार हिलता रहता है, तो अगर दो लोग हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले आदमी को बड़ी परेशानी होती है। तो ये जिप टाई बहुत यूज़फुल है। ये देखिए, कई अगर बहुत ज़्यादा खींचने से कई बार टूट भी जाती है ये, बट फिर भी जो पेड़ को फ्यूज़ करने के लिए इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ रहती है। तो आप कई जिप टाई लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे भी आपको स्पेस लगती है वहाँ पे जिप टाई लगा के टाइट करो, ताकि जो आपकी कटिंग है वो जो मेन ट्रंक से चिपक जाए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जिप टाई लगा दी है, तो अगर एक ही रहेगी तो वो टूट भी सकती है ना, तो जहाँ से मेरे को ब्रांच को मोड़ना है या वायर करना है, वहाँ पे भी जिप टाई लगानी ज़रूरी है। तो जिप टाई में भी साइज आते हैं, बड़े वाली आती है, छोटे कई साइज़ की आती हैं, तो आपको सब तरह की होनी चाहिए आपके पास अगर फ्यूज़ करते हो तो। अभी मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से कर्व आ रहा है वहीं पे जो हमारा पेड़ है उसको मेन फ्यूज़ हो, और फिर वहीं से वायरिंग हो के उसकी ब्रांच के जैसा नज़र आएगा वो। और जो एक्स्ट्रा जिप टाई होती है आप उसको काट भी सकते हो। तो ये हमने मेन ट्रंक के साथ दो और नए प्लांट फ्यूज़ कर दिए हैं। यहाँ पे काफ़ी आजकल मॉस्किटोज हो गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से वो थोड़ा तंग कर रहे हैं।
ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और चक्के पॉट जा
दोस्तों यहाँ पे ये मैंने दो बड़े पीपल के पेड़ फ्यूज़ किए थे, तो यहाँ पे साइड में इसके एक ब्रांच नहीं है और वैसे भी ये दो थोड़े से और लगते हैं, तो मैं एक और प्लांट इनके साथ फ्यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्टली पॉट के अंदर फ्यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी खोद रहा हूँ मैं, स्पेस बना रहा हूँ, और जो राइट साइड की जो सॉयल है वहाँ पे सॉयल निकाल के और जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हटा दूँगा, और वहाँ पे जो हमारा प्लांट है नया उसको वहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से आप भी अगर आपको कहीं पे ब्रांच वगैरह चाहिए तो आप कोई प्लांट ले सकते हैं और उसको सीधा डायरेक्टली अपने पेड़ में फ्यूज़ कर सकते हैं। फाइकस के साथ तो बहुत ही आसान से हो जाता है, मतलब पीपल, बरगद, ये सब फाइकस, माइक्रोकार्पा, टाइगर बार्क, लॉन्ग आइलैंड, ये सब फाइकस फैमिली के हैं, तो इनमें फ्यूज़न बहुत आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं उस टाइप, उस साइड की, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नए प्लांट को स्पेस नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा हटा दूँगा, काट दूँगा। प्लांट को इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं और दूसरी साइड्स में इसकी रूट्स अच्छी हैं, तो एक साइड से अगर चली भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जो नॉब वगैरह रहते हैं, जो साइड में एक्स्ट्रा वुड होती है, वो हटानी पड़ती है अगर आपको कोई और प्लांट फ्यूज़ करना हो, नहीं तो वो बीच में स्पेस रह जाता है। ये ज़िप टाई छोटी पड़ेगी है इसके लिए, तो ये पेड़ काफ़ी मोटा है तो इस पे आ नहीं रहा, तो हम इसके ऊपर प्लास्टिक का रस्सा, पतली सी ये जो रस्सी होती है उसका यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास ज़िप टाई नहीं है तो आप इससे भी बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी मज़बूत रहता है और कई साल तक होल्ड कर लेता है। आई थिंक दो साल तक चल जाता है, अगर एकदम धूप में पड़ा होता है तो थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है, बट फिर भी आपका पेड़ फ्यूज़ कर देगा। अगर आपको लगता है कहीं से ये टूटने लगा है तो आप दोबारा से बांध सकते हो।
अच्छा बहुत कट रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ये पेड़ को मैं बाद में वायरिंग करूँगा थोड़ा सा, ये वाला ब्रांच अभी हम इसको खाली ग्रो करने देंगे, बाद में इसको हम सेकंड ब्रांच बना देंगे। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर आपका भी कुछ इस तरह से कोई प्लांट है जहाँ पे ब्रांच वगैरह मिसिंग है तो आप इसको ज़रूर करिए। थैंक यू।